अपने बिजनेस की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कॉल करें 7800008920। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज, यूपी में उम्मीदवारों के नामों पर लगेगी मुहर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां हुई तेज। यूपी में 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए 19 जनवरी से शुरू होगा सपा का अभियान। सुल्तानपुर जिले में 62 नए कोरोना वायरस के मामले आए सामने। कुल एक्टिव केस की संख्या पहुंची 517। अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। सीएमओ डॉक्टर डी के त्रिपाठी बोले, मास्क का करें इस्तेमाल। सुल्तानपुर में फरवरी से शुरू होगी केंद्रीय विद्यालय में प्रथम कक्षा की प्रवेश प्रक्रिया। बेहतर परिणाम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था की दिशा में केंद्रीय विद्यालय ने बढ़ाया एक और कदम। सपा एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने थामा भाजपा का दामन। कार्यकर्ताओं ने किया एमएलसी का भव्य स्वागत। एमएलसी शैलेंद्र सिंह ने योगी मोदी को बताया सर्वश्रेष्ठ। अमेठी के शुगल बाजार के फुंदनपुर गांव में निकला अजगर सांप। सांप निकलने से दहशत में लोग। वन विभाग की टीम ने सांप को जंगल में छोड़ा। मौके पर ग्रामीणों का लगा हुजूम। अमेठी के ब्लॉक बहादुरपुर अंतर्गत ग्राम खरोली में कोटेदार राजेश कुमार से लोग परेशान। जबरन गरीबों का राशन डकार रहे कोटेदार। कार्ड बनवाने के नाम पर कोटेदार राजेश कुमार द्वारा की जाती है अवैध वसूली। प्रतापगढ़ में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। उठती लपटों को देख राहगीर व दुकानदारों में मची भगदड़। आग की लपटों को बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के भंगवा चुंगी एसबीआई के सामने का है। बाराबंकी के लोनी कटरा पुलिस की कार्यशैली पर लगातार उठ रहे सवालिया निशान। गांव में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का सनसनीखेज मामला आया सामने। पीड़िता की मां ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की लगाई गुहार। मैनपुरी की कुरावली में अफसरों के ढीले रवैये से ठेकेदारों की बल्ले बल्ले। हाईवे की वजह से डाबर मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। रोड बनाने के नाम पर किया जाता है घिनौना मजाक। हमीरपुर के थाना कुरारा पुलिस और एसओजी टीम ने अवैध असलाह शस्त्र फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 22 अवैध असलाह सहित दो अभियुक्त हुए गिरफ्तार। पूर्व में भी अवैध असलाह फैक्ट्री के संचालन में आरोपी जा चुके हैं जेल। बुलंदशहर देहात पुलिस को विधानसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने अवैध हथियार तैयार करने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। फैक्ट्री से 6 बने 10 अधबने तमंचा, 3 रिवॉल्वर, 1 अधबनी रिवॉल्वर, अधबनी पुनिया बंदूक भी बरामद की गई है। पुलिस अभिरक्षा से आरोपियों के भागने से मचा हड़कंप। दूसरी बार आरोपियों ने पुलिस को दिया चकमा। 14 दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए थे ये आरोपी। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।